कौन से VFX होंगे फिल्म में यूज, क्या ऑडियंस की डिमांड होगी पूरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। पुराने जमाने में कैसे फिल्में बनती थी ये तो आपको पता ही होगा। वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की स्क्रीन पर हमें हमारे एक्टर्स नजर आते थे, लेकिन जैसे धीरे धीरे सोसाइटी एडवांस होती गई, ठीक बिल्कुल वैसे ही हमारे सिनेमा के पीछे के रंग भी ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल होने लगे। हालांकि माना जाए तो अपने सिनेमा को थोड़ा वक्त लगा VFX को मूवीज में ऐड करने में, लेकिन जो VFX बॉलीवुड की फिल्मों में यूज होना शुरू हुआ तब से लेकर आज तक उसमें काफी बदलाव हुए हैं जो हमें देखने को मिले हैं। हम एक बात तो मान ही गए हैं कि वक्त चाहे जैसा भी हो, लेकिन VFX का सही इस्तेमाल हमारी फिल्मों से ज्यादा कहीं नहीं हुआ है, क्योंकि VFX की स्टार्टिंग से ही बॉलीवुड ने VFX यूज करना शुरू किया और तब से लेके अब तक हमने इसमें काफी सारे अपग्रेडेशन भी देखे हैं। अभी अपकमिंग आने वाली KGF 3 के मेकर्स ने ये डिक्लेयर किया है कि फिल्म में काफी कुछ अलग होने वाला है, जिससे इंडियन सिनेमा एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। KGF 2 तक मेकर्स बताते हैं कि फिल्म को उन्होंने एक बेस दिया है, लेकिन KGF 3 से उनका मानना ये है कि फिल्म का लेवल और हाई होगा, जिसको सुनकर अब KGF के फैंस फूले नहीं समा रहे। माना ये भी जा रहा है कि इस बार यश के साथ एक नया स्टार नजर आ सकता है, लेकिन वो अब कौन होगा ये डायरेक्टर्स ने अभी तक रिवील नहीं किया है। उन्होंने ये जरूर बताया है कि Part 3 से ऑडियंसेस का विश्वास उनकी फ्रेंचाइजी पर और बढ़ जाएगा, जिससे वो भी KGF को एक मार्वल की फिल्म की तरह ही बनाना चाहेंगे, जिससे KGF की दुनिया भी बिल्कुल मार्वल की दुनिया की तरह ही वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाए। मेकर्स की टीम को बस अपनी ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए, जिससे वो अपना मार्वल वर्ल्ड बनाने का सपना पूरा कर सके। तो क्या लगता है आपको, क्या चेंजेस हैं, कोई चांसेस हैं KGF 3 में? क्या मेकर्स अपने इस मार्वल सीरीज के वर्ल्ड वाले सपने को पूरा कर पाएंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है दीक्षा यादव ने।